गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु है। इनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर उनके जीवन और दी हुई शिक्षाओं को याद करने के लिए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो इस बार 12 नवंबर के दिन है। लेकिन कुछ विद्वान गुरु नानक देव जी की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 भी मानते हैं। यही कारण है कि 15 अप्रैल को भी गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। कौन थे गुरु नानक देव? गुरु नानक देव जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गुरु नानक देव ने कुछ ऐसे चमत्कारिक कार्य किए जिसके चलते लोगों ने उन्हें विशेष और दिव्य व्यक्ति माना। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना भी की थी, इसलिए सिख उन्हें अपना आदि गुरु मानते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में एक समाज सुधारक और धर्म सुधारक के रूप में कई काम किए। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मात्र 16 साल की आयु में ही वह भारत सहित अन्य देशों की यात्रा पर निकल गए और समाज में फैली कुरीतियों और लोगों के मन में घृणा के भाव को मिटाने व आपस में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए कई काम किए। गुरु नानक जयंती को सिख धर्म में लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रकाश पर्व यानी मन की बुराइयों को दूर कर उसे सत्य, ईमानदारी और सेवा भाव से प्रकाशित करना। इस अवसर पर कई सिख अखंड पाठ का आयोजन कराते हैं, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। इस दिन प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। गुरु पर्व के अवसर पर सभी तरफ उत्साह का माहौल दिखाई देता है। गुरुद्वारे में विशेष आयोजन किए जाते हैं। कई तरह के जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें गुरु नानक देव द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन के साथ साथ लंगर का आयोजन होता है। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।